हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 19 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया वो है जीका वायरस को लेके। आजकल 3-4 रोज से डेली जीका वायरस को लेके कुछ ना कुछ न्यूज है वो आ रही है, तो पहले थोड़ा कंटेक्स्ट है वो देख लेते हैं। कंटेक्स्ट बेसिकली ये है कि राजस्थान के जयपुर में जीका वायरस के केसेज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक लगभग 80 केसेज हैं जीका वायरस के वो सामने आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो 80 पेशेंट या जो 80 लोग पाए गए हैं जिनमें जीका वायरस फैला हुआ है, ये बेसिकली कहीं ट्रेवल वगैरह करके नहीं आए हैं। मतलब किसी दूसरी कंट्री से नहीं आए हैं कि जहाँ से ट्रांसमिट वगैरह हो सकता है। जैसा कि लास्ट टाइम जब जीका वायरस का प्रकोप फैला था इंडिया में, तब देखा गया था कि जब टूरिस्ट वगैरह जो फॉरेन से आए थे बेसिकली लोग, उनमें जीका वायरस फैला हुआ था और उसकी वजह से इंडिया में स्प्रेड है वो हुआ था। तो अब हम जीका वायरस के बारे में थोड़ा फैक्ट वो जान लेते हैं। देखो, जीका वायरस है बेसिकली ये मच्छर के काटने से फैलता है, जिसका नाम है एडीज मॉस्किटो। तो एडीज जो मॉस्किटो मच्छर है बेसिकली ये इस मच्छर के काटने से ये फैलता है। अब हम अहम बात करें कि जीका वायरस पहली बार कब फैला था, थोड़ा इफेक्ट और देखो, 1947 में यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पर पहली बार जीका वायरस का केस है वो एक बंदर में देखा गया था। इसके बाद में देखा गया कि लगातार जीका वायरस है वो धीरे धीरे जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, मतलब जो 0 डिग्री वाला, जो 0 डिग्री रेखा जिन जिन कंट्री से बेसिकली पास होती है, उन वाले कंट्रीज़ के एरियाज में बेसिकली धीरे धीरे फैल रहा था। क्योंकि देखो वहाँ पे ह्यूमिडिटी और मतलब जो एटमोसफियर है वो काफ़ी सुटेबल होता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फैल रहा था। अब हम अहम बात करें कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। तो यह बेसिकली जो फैमिली है उसका नाम हमें ध्यान रखना है, वो है फ्लेवी रेड फैमिली। तो फ्लेवी रेड जो फैमिली है इससे बेसिकली जीका वायरस है वो बिलोंग करता है। अब इसके एक दो फैक्ट ये हैं कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उससे यह बच्चे में भी फैल सकता है। मतलब अगर प्रेग्नेंट वुमेन को गलती से भी जीका वायरस का साइड इफेक्ट हो गया या जीका वायरस ने उसे इफेक्टेड कर दिया है, तो उसके बाद बच्चे में भी चांसेस हैं कि बच्चे में भी बेसिकली जीका वायरस है वो फैल सकता है। और उसकी वजह से जो भ्रूण होता है, जो फोटिस होता है, उसमें बेसिकली माइक्रोसिफेली नाम का डिजीज सिंड्रोम है वो हो जाता है। अब ये माइक्रोसिफेली सिंड्रोम क्या होता है? देखो, माइक्रोसिफेली सिंड्रोम ये होता है कि जो बच्चे का सिर होता है वो नॉर्मल कंडीशन से अलग होता है, या तो सिर है वो काफ़ी छोटा हो जाता है या फिर सर की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो ब्रेन है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बेबी है, नया बेबी, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट है वो सामने आ सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इसके बारे में जो हमने यहाँ पर देखे। अब हम बात करें इसके सिम्टम्स की। तो देखो, सिम्टम्स बेसिकली हैं कि या तो फीवर वगैरह होता है, जैसे कि वायरल होता है नॉर्मली, उसी टाइप के कुछ सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। या तो फीवर हो गया या फिर बॉडी के ऊपर निशान वगैरह चकते टाइप के हो जाते हैं। इसके साथ ही जॉइंट पेन है वो होने लगता है और आँखें हैं वो लाल हो जाती हैं, तो कुछ सिम्टम्स हैं वो साइड के दिखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को लेके। देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो बेसिकली एक यूके बेस्ड थिंक टैंक है जिसका नाम है QS। इस QS थिंक टैंक के द्वारा बेसिकली रैंकिंग है वो पब्लिश की जाती है। तो इस साल जनवरी के स्टार्टिंग, मतलब जो हमारे साल का स्टार्टिंग होता है मंथ, उसमें बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग है वो पब्लिश की गई थी, जिसमें इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो रही थी IISc बेंगलोर। बट अभी रिसेंटली जो QS जो इंस्टीट्यूट है, जो कि एक थिंक टैंक है यूके बेस, इसने इंडिया के लिए अलग से रैंकिंग है वो जारी की है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया के लिए इसने अलग से रैंकिंग जारी की है तो भाई क्या क्या उसके मतलब उसमें चेंजेस वगैरह हैं वो देखते हैं। देखो, पहला फैक्ट तो इसका यही है कि जो QS जो थिंक टैंक है, इसने ऐसा नहीं कि पहली बार किसी कंट्री के लिए अलग से रैंकिंग वगैरह वो जारी की है। इससे पहले इसने चाइना के लिए भी अलग से रैंकिंग है वो जारी की थी लास्ट टाइम, और अभी रिसेंटली इस साल है वो इंडिया के अलग से रैंकिंग है वो जारी की है। ऐसा इसलिए किया है ताकि इंडिया के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर भी पता लगाया जा सके कि भाई किस तरीके का माहौल है वो चल रहा है, उनकी रैंकिंग कैसी है, कैसे उन पर वहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह हो रहे हैं, कैसी वहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी है। तो उन सब के लिए बेसिकली ये रैंकिंग है वो जारी की गई है। तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है इंडिया के लिए स्पेशली, इसमें IIT बॉम्बे को पहला स्थान दिया गया है और सेकंड नंबर दिया गया है IISc बेंगलुरु को। तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है कि भाई क्या क्या चेंजेस वगैरह इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स है वो जारी किसके द्वारा किया जाता है? सबसे पहला फैक्ट तो UPSC ही पूछ सकती है डायरेक्टली। देखो, ग्लोबल कंपिटिटिवनेस इंडेक्स है वो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF है उसके द्वारा जारी है वो किया जाता है। अब हम बात करें कि भाई इंडिया की रैंकिंग कैसी रही है। देखो, इंडिया की जो रैंकिंग है वो पिछले साल से 5 मतलब अंक है वो आगे बढ़ी है। पिछले साल इंडिया की रैंकिंग थी उससे इस बार काफ़ी अच्छा इजाफा है वो देखने को मिला है।
इस बार इंडिया की जो रैंक है वो रही है 50th, मतलब इंडिया में जो कंपटीशन की बात करें तो बर्क की वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हैं वहाँ से 58th नंबर पे है, मतलब पहले नंबर पे अभी भी इंडिया नहीं पहुँचा है, बाकी लास्ट टाइम से काफ़ी सुधार देखने को मिला है। तो थोड़ा हम एक तो ये देखते हैं कि पहले सबसे पहले कौन सी कंट्री है वो जो नंबर वन पे रही है। देखो इस जो रैंकिंग में बेसिकली हम बात करें तो लगभग 140 कंट्रीज हैं उनको शामिल किया गया था। सबसे नंबर वन पे बात करें कंपटीशन के मामले में तो यूएस है, वो रहा यूएसए का जो स्कोर है बेसिकली वो रहा था 85.6। इसके बाद में सिंगापुर है वो सेकेंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे जर्मनी है वो रहा था। तो देखो सारे तो हमें याद नहीं रखने बैठने हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का सीन क्या है, ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया की क्या हालत है, और कहाँ कहाँ ने इंडिया ने टॉप वगैरह किया या रैंकिंग में सुधार कैसा हुआ है। लास्ट टाइम पे इंडिया का जो स्कोर था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, ठीक ठाक बोल सकते हो, बट इस बार काफ़ी अच्छा इंडिया ने प्रगति है वो की है। इस बार इंडिया का जो स्कोर है वो रहा है 62 स्कोर। बात करें रैंकिंग की तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार इंडिया की जो रैंकिंग है इकोनॉमी के मामले में, कि कंपटीशन कैसा है इकोनॉमी में, वो रहा है 58 नंबर पे। ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज में चाइना टॉप पे रहा है, चाइना की रैंकिंग है वो 28 रही है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर इंडिया रहा है, बाकी कंट्रीज की रैंकिंग है वो इंडिया से पीछे है। तो यह ध्यान रखना है, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट दे सकती है कि ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया उसने टॉप किया है, तो भाई ऐसा नहीं है, ब्रिक्स कंट्रीज में अभी चाइना टॉप पे है और सेकेंड नंबर पर इंडिया है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि जो G20 जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो जितना इम्प्रूवमेंट है, बाकी जैसे G20 में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो, तो उन सब में जितना इम्प्रूवमेंट है उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट आया है वो है इंडिया में, मतलब इंडिया ने अपनी रैंकिंग वो औरों से ज़्यादा बूस्ट है वो की है, इंडिया ने अपने जो 5 स्थान है रैंकिंग के वो ऊपर लेके आया है। बात करें साउथ एशिया में तो साउथ एशिया के अंदर इंडिया की रैंकिंग वो हाईएस्ट है, यह हमें ध्यान में रखना है। देखो एक चीज़ आपको बताई है, जैसे कि चाइना है वो साउथ एशिया में नहीं आता है, इसलिए कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई ज़रूरत है वो नहीं है। साउथ एशिया की जो कंट्रीज में हम बात करते हैं, सार कंट्रीज़ हैं उनमें बेसिकली इंडिया यहाँ पे टॉप पे रहा है। अब देखो यहाँ पे 2-3 फैक्ट और दिए गए हैं, वो भी थोड़े हम देखते हैं। इंडिया की जो रैंकिंग आई है या इंडिया का जो कंपटीशन रहा है वो देखो, एक तो मार्केट साइज के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रहा है, इसके साथ ही इनोवेशन के मामले में भी इंडिया में कंपटीशन है वो बहुत अच्छा रहा है। बस कुछ 2-3 सेक्टर ऐसे हैं कि जहाँ पे इंडिया में कंपटीशन है वो कम है, इतना अच्छा नहीं रहा है, जैसे कि हेल्थ के सेक्टर में इंडिया में कंपटीशन बहुत कम है, एजुकेशन के सेक्टर में इंडिया में कंपटीशन कम है, और इंडिया में स्किल के क्षेत्र में भी कंपटीशन की बात करें तो काफ़ी कम है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि इंडिया है उसमें हेल्थ एजुकेशन और स्किल के मामले में जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा कम है, बाकी मार्केट साइज की बात करें या फिर हम बात करें इनोवेशंस की, नवाचार की, तो उस मामले में इंडिया के कंपटीशन काफ़ी अच्छा रहा है। यह ध्यान रखना है कि ग्लोबल कंपटीटिवनेस इंडेक्स है वो बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है ओनर टीएम के बारे में। तो ओनर टीएम है क्या, इसे हम देख लेते हैं। देखो बेसिकली सीएसआईआर के द्वारा यह जो पानी को साफ करने के लिए, पानी को प्योरीफाई करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है वो है, उसको मिल तैयार है वो किया गया है। अब होगा क्या, देखो हमारे देश में पीने का पानी प्रोवाइड करवाने के लिए काफ़ी बड़ी समस्या ये है कि साफ़ पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ डिजीज़ हैं वो फैलती रहती हैं, जैसे कि एक तो जापनीज इंसेफ्लाइटिस है, वो भी कहीं ना कहीं गंदा पानी होता है उससे फैलता है। तो लोगों को साफ पानी प्रोवाइड करवाने के लिए सीएसआईआर जो इंस्टीट्यूट है उसने बेसिकली एक ऐसी तकनीकी का इजाफा किया जो काफ़ी सस्ती भी है और लोगों को बैक्टीरिया से मुक्त, कवक मुक्त और प्रोटोजोआ या सिस्ट से मुक्त है वो रखेगा, मतलब पानी को प्यूरीफाई रखने के लिए बेसिकली काम ये यंत्र वो काम करेगा। और WHO की जो गाइडलाइंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया का जो BIS स्टैंडर्ड है उनके गाइडलाइंस को भी अब फुलफिल है वो कर रहा है। अब हम बात करें, देखो हर इंसान का ह्यूमन राइट है कि उसको पीने के लिए साफ पानी है वो मिल सके, और इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप है वो उठाए गए। हम बात करें सोनर टीएम टेक्नोलॉजी की, तो यह देखो बेसिकली है उसमें 2 पैसे प्रति लीटर की कॉस्ट पे पानी को इससे प्योरीफाई वो किया जाएगा, और जो सोलर पावर्ड है उसके हेल्प से भी इसको यूज है वो किया जाएगा। तो यह ध्यान रखना है कि वोनर टीएम है क्या, CSIR के द्वारा पानी को कीटाणु शोधन या कीटाणु मुक्त करने के लिए बेसिकली एक नई टेक्निक है उसको तैयार किया गया है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज के बारे में। देखो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है वो इंडिया और चाइना के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस साल दिसंबर में चाइना का एक प्रांत है, एक जगह है जिसका नाम है चेंगदू, तो चेंगदू जगह में बेसिकली इसको आयोजित है वो किया जाएगा। लास्ट ईयर जो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है वो बेसिकली कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर आपको पता है कि डोकलाम विवाद काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी तनातनी हो गई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इसलिए हैंड इन हैंड एक्सरसाइज को कैंसिल है वो कर दिया गया था, और इस बार इसको दिसंबर में एक्टिव है वो किया जा रहा है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है गायल, गोर या मिथुन के बारे में, जिसे बेसिकली बोस फ्रोटेलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब है क्या है? देखो, जिस तरीके से बैल होता है उसी तरीके का एक जानवर है वो होता है, कुछ इस तरीके का है बेसिकली दिखने में दिखता है, जैसे बिसोन होता है कुछ उस टाइप का। सही है, तो अभी कंटेक्स्ट आया क्या है वो देखते हैं। कंटेक्स्ट अभी आया है कि यह अरुणाचल प्रदेश का यह स्टेट एनिमल है, गायल, गोर या मिथुन के नाम से बेसिकली जाना जाता है। और अभी इशू ये रहा कि असम में इनकी काफ़ी हत्याएं वो कर दी गई थी, तो इसलिए असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में थोड़ा इश्यू है, तनाव है, वो फैल गया इस चीज़ को लेके। अब जो गायल है ये बेसिकली जो भी अरुणाचल प्रदेश में कोई पवित्र अनुसंधान कोई अनुष्ठान होते हैं, कोई त्यौहार वगैरह होते हैं, उनके मौके पे बलि दी जाती है इसकी, और बेसिकली इसे पहाड़ों का राजा या पहाड़ों का पशु या पहाड़ों के जहाज के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ दो तीन फैक्ट्स हैं इसके बारे में, थोड़ा देख लेना, खैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बनता है। नेक्स्ट जो देखो आज का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेके। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेके मैं आपको दो स्टेटमेंट बताऊंगा, आपको बताने की कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन है फ्री में, वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की तो 2001 की जनगणना थी, उसके बेसिस पे लोगों को मतलब इससे आइडेंटिफाई है वो किया जाएगा, ये दूसरा स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सांची स्तूप के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये है कि सांची स्तूप है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, वो किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सांची स्तूप है वो 3rd century BCE में बनाया गया था। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले जिका वायरस के बारे में जाना, जो कि एडीज मच्छर के काटने से बेसिकली फैलता है, और अभी इसके केसेज हैं वो जयपुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि इससे बेसिकली बच्चों में एक सिंड्रोम हो जाता है, जो भ्रूण होता है उसमें, जो गर्भवती महिला होती है उसमें, जिसका नाम है माइक्रोसिफेली। तो यह ध्यान रखना कि माइक्रोसिफेली सिंड्रोम है वो बेसिकली जिका वायरस की वजह से होता है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें होता क्या है माइक्रोसिफेली सिंड्रोम में, बेबी का जो सिर होता है वो एबनॉर्मल होता है, मतलब या तो काफ़ी बड़ा या काफ़ी छोटा, जिससे उसका माइंड है वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमने जाना कि QS जो थिंक टैंक है UK बेस्ड, इसने इंडिया के लिए इंडिया की जो यूनिवर्सिटी है उनकी अलग से रैंकिंग जारी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें कि इंडिया के लिए इसने पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी इसने अदर कंट्रीज़ के लिए अलग से रैंकिंग जारी की है, जिसमें चाइना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल था वो देखा था ग्लोबल कंपिटिटिव इंडेक्स के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल कंपिटिटिव इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। ब्रिक्स कंट्रीज़ में चाइना टॉप पे रहा है, साउथ एशिया में इंडिया हाईएस्ट रैंकिंग के लेके रहा है। इसके साथ हमने जाना कि CSIR है, उसके द्वारा ओनर TM एक प्रणाली या बोल सकते हो कि एक सिस्टम तैयार किया गया है जो कि पानी को कीटाणुरोधी है वो बनाएगा। इसके साथ हमने जाना कि इंडिया और चाइना के बीच में इस साल दिसंबर में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, जिसका नाम है हैंड टीम हैंड। इसके साथ हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है, जिसे हम गायल गोर या मिथुन के नाम से जानते हैं, ये बेसिकली अभी मतलब इसकी हत्या करने की वजह से अरुणाचल प्रदेश और आसाम में विवाद है वो फैला हुआ था। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।